पीएम मोदी का रोड शो जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं अभी। जहां उन्होंने पथिनामथिट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया था। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें हैं, जहां केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और एक ही साथ केरल में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहां मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाता की बात की जाए तो 2,71,00,000 मतदाता हैं केरल में, 1,04,00,000 से ज़्यादा महिलाएं और 1,31,00,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता शामिल हैं। और इस बार 2,00,000 से ज्यादा पहली बार युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री केरल के बाद तमिलनाडु के सेलम जाएंगे, जहां वे एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भारत में चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव माना जाता है और इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ी है और नए साल का आगाज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के दौरे के साथ किया था। प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर आते रहे हैं और आज प्रधानमंत्री केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं। बीते 15 मार्च से प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। लगातार आप नारों की आवाज सुन रहे हैं, जहां मोदी मोदी के नारे लगातार गुंजायमान हो रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ओर सड़कों पर मौजूद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर इस समय बेहद उत्साह का माहौल, एक बड़ा जन सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री सभी को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बार 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण की बात की जाए तो यहाँ मतदान 19 अप्रैल को होगा और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी, फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनावों की तैयारियों में सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए अपनी तैयारियां मजबूत कर चुके हैं और सभी इस बार जीत हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाजपा इस बार मिशन साउथ के साथ आगे बढ़ रही है और कोशिश यही है कि इस बार भाजपा की स्थिति को मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री इसके बाद एक और मिशन के साथ तमिलनाडु जाएंगे और दोपहर बाद सेलम में एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी बिगुल अब बज चुका है और इस चुनावी रणभेड़ी में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। इस बार जीत हासिल करने के लिए, सीटों के शेयर को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय केरल के पलक्कड़ में मौजूद हैं, जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अगर बात करें 17वीं लोकसभा की तो इसका कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है और उससे पहले चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और अगर बात केरल की जाए तो केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें हैं, 18 जनरल कैटेगरी की और 2 आरक्षित हैं। अगर पहले चरण की बात की जाए जो कि 19 अप्रैल को जिसका मतदान होना है, 21 राज्यों में 102 सीटों के लिए चुनाव होगा 19 अप्रैल को। ये पहला चरण है जब मतदान किया जाएगा। अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो 13 राज्यों में 89 सीटों के लिए मतदान होगा और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। तीसरे चरण की बात की जाए तो 12 राज्यों में 94 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव 7 मई को संपन्न होगा।
चौथे चरण की बात की जाए तो 10 राज्यों में 96 सीटों के लिए मतदान होगा और 13 मई को ये मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। पांचवें चरण की बात की जाए तो 8 राज्यों में 49 सीटों के लिए चुनाव होगा और ये चुनाव 20 मई को आयोजित किया जाएगा। छठे चरण की बात की जाए तो 7 राज्यों में 57 सीटों के लिए चुनाव किया जाएगा जो कि 25 मई को जिसका मतदान होगा। 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए 7वें चरण में चुनाव होगा और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा और 7 चरणों में ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक मतदान होगा और 4 जून को मतदान की रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में हैं और रोड शो में शामिल हो रहे हैं जहां भारी तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में सभा स्थल पर जाएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस बार लोकसभा चुनावों के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे जिसमें उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी किए जाएंगे और ये सभी चुनाव आम चुनावों के साथ होंगे। अगर कुल मतदाताओं की बात की जाए तो कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं और 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं। इनमें 1.89 करोड़ पहली बार वोटर्स हैं और 19.74 करोड़ वोटर्स युवा हैं जिनकी उम्र 20 साल से 29 साल की है।